नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं रजनीश। ई कल्याण छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण छात्र आक्रोशित है और कल्याण कॉम्प्लेक्स का घेराव करने पहुंचे हैं। छात्र इसकी मांग लगभग 6 महीने से कर रहे हैं, वहीं इनको ई कल्याण की छात्रवृत्ति लगभग 10 महीने से नहीं मिली है। आइए हम इन छात्रों से जानते हैं कब से इनकी समस्या है और क्या इनके साथ घट रही है। एससी एसटी और ओबीसी, ओबीसी और एसटी का पेमेंट एक बार में स्कॉलरशिप 100% आ रहा है और बस एससी का स्कॉलरशिप 40% 21 और 22 सेशन में आ चुका है और उसका 60% बचा हुआ अभी तक हम लोग को नहीं मिला है और अभी भी 22 और 23 सेशन में 60% राशि बचा हुआ है और 40% आ चुका है। ऐसे लेकर सुधेरा व्यवहार हम लोग के साथ किया जा रहा है, आज से नहीं 2 साल से हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है, अभी भी वैसा ही हो रहा है। 99% स्टूडेंट का 100% स्कॉलरशिप नहीं आया है और कुछ डिस्ट्रिक्ट में ऐसा भी है जहाँ पे ओबीसी का कुछ भी पैसा नहीं आया हुआ है और कहीं पे पूरा आ चुका है। तो ऐसा सौतेला व्यवहार सौतेला डिस्ट्रिक्ट के साथ सौतेला कैटेगरी के साथ किया जा रहा है और ये हमेशा 2 साल से किया जा रहा है और नया पोर्टल भी एक्टिवेट हो चुका है जो 15 तारीख से हम लोग को ऑनलाइन करना है। तो ये हम लोग मांग करते हैं कि ये बंद किया जाए, जब तक पिछला सेशन का बकाया राशि हम लोग को भुगतान नहीं होता है तब तक ये पोर्टल को बंद किया जाए। बोले चतरा से आए हैं और एसटी ओबीसी एससी का सभी का पैसा जो विलम्ब है वो जल्द भुगतान किया जाए और एसी का 60% राशि 2021-22 सेशन और 2022-23 सेशन को जल्द पूरा किया जाए, तत्काल पोर्टल बंद किया जाए जब तक कि पिछला 2 सेशन का भुगतान पूरा नहीं हो। मैं कोरोना की वजह से आया हूँ। हम लोग का जो सेशन जो वित्तीय वर्ष 21-22 और 22-23 का छात्रों को छात्रवृत्ति अभी तक नहीं मिला। जहाँ तक बात है 21-22 का, तो 21-22 का लगभग लोगों को एससी एसटी ओबीसी था उन लोग को मिल गया था, लेकिन एससी कैटेगरी में प्रावधान है कि 40 और 60 का। तो राज्य सरकार जो है 40% दी है और 60% का डाटा जो केंद्र सरकार को नहीं भेजी है, जिस वजह से हम लोग को 60% राशि नहीं आया। 22-23 में भी अभी तक नहीं आया। तो हम लोग को मांग है कि जब तक 21-22 और 22-23 का पैसा पूर्ण रूप नहीं मिल जाता है तब तक अभी के लिए पोर्टल बंद किया जाए। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।